दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो। गाइस जैसे आपको अपना 10 या 15 20 दिन के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा स्टेप बताएंगे गाइस। चलो अब हम अपने फ़ोन पे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे आ जाना है, फेसबुक ऐप को आपको ओपन कर लेना है। गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर राइट साइड में 3 लाइन्स, यहाँ पर आपको दिख जाएगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। गाइस इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे चले जाना, सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग प्राइवेसी, आपको उस पर टाइप कर देना है। गाइस आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा सेटिंग प्राइवेसी, यहाँ पर आप इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, आपको उस पर टाइप कर देना है। गाइस अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंट सेंटर, आपको इस वाले पेज पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा अकाउंट सेंटर, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे चले जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पर्सनल डिटेल, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पर आपको अपनी जीमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको इस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद गाइस आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डीएक्टिवेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। गाइस आपके सामने यहाँ पर फेसबुक अकाउंट आ जाएंगे जिसे आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, आपको वहाँ से आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट अकाउंट, यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है, मैं यहाँ से डाल देता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर पेज कुछ देर लोडिंग लेगा, यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग योर फेसबुक अकाउंट, यहाँ पर ये आपसे रीजन पूछेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ आई हैव ए प्राइवेसी, यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे चले जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डीएक्टिवेट मई अकाउंट, आपको इस पर टाइप कर देना है। कुछ देर यहाँ पर लोडिंग लेगा। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ से डीएक्टिवेट हो चुका है। गाइस यहाँ पर ओके कर देना है। गाइस आप यहां पर देख सकते हो मेरा फेसबुक अकाउंट यहां से डीएक्टिवेट हो चुका है। अगर गाइस आप यहां से फेसबुक फ़ोटो को भी यहां से रिमूव करना चाहते हो आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव प्रोफाइल फ्रॉम दिस डिवाइस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहां से रिमूव कर देना है। गाइस आप यहां पर देख सकते हो मेरी फेसबुक अकाउंट यहां से डीएक्टिवेट हो चुकी है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।